हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मेरे चिंगोनियम प्लांट हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है मेरे पास। और ये मैंने छाया वाली जगह में रख रखा है और ये तेज़ धूप में नहीं चलता है, इसकी लीव्स जल जाती है और ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और पानी में भी इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने खुद कटिंग से बनाए हैं, इसका मदर प्लांट यहीं पे रखा है पास में ही, उसी से कट करके इन सभी पौधों को मैंने तैयार किया है। फ्रेंड वैसे तो नर्सरी में ये 70-80 रुपए का मिलता है, बहुत छोटा सा ही होता है। अगर आपको ये भी देखो, मैंने सब कटिंग से ही तैयार किए हैं और वैसे कहीं से आपको उसकी कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपसे सीधा खाद वगैरह में नहीं लग पाती है मिट्टी में, तो आप इसको पहले पानी में लगा लें 10 दिन, फिर इसकी जड़ें आ जाएंगी। जड़ें आने के बाद आप मिट्टी में और खाद में और थोड़ा सा इसमें नीम खली पाउडर मिला लें और इसको लगा दें, तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको भी मैं छोटा सिंगोनियम बनाऊंगी। अभी फ्रेंड बहुत तेज़ धूप है तो इसको मैं पिंच नहीं कर रही हूँ, तो अभी मैंने ये इसको ऐसे छोड़ रखे हैं। कुछ पौधे मैंने मिनी सिंगोनियम बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और फ्रेंड ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं, बहुत आसानी से चल जाते हैं। और छोटे छोटे प्लांटरों में वैट मटेरियल में आप किसी में भी इसको लगा सकते हैं। और देखो इसके पत्तियों का कलर बहुत प्यारा है, तेज़ धूप में कलर ख़राब हो जाता है, बहुत लाइट हो जाता है और इसकी पत्तियाँ जल जाती है, जलने का मतलब झुलस सी जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है। और ये छाया वाली जगह में बहुत अच्छा, ज़्यादा छाया भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट धूप भी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर। और ये मैंने देखो यहाँ से पिंच कर दिया था और इसमें यहाँ से दूसरी ग्रोथ चालू हो गई है ये वाली। और इसकी कटिंग को मैंने कहीं और लगाया है, अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग को मैंने कहाँ लगाया था। 1.5 महीना हो गया होगा तब मैंने इसकी कटिंग को काट के कहीं और लगाया है। फ्रेंड आप भी इस तरह से कलेक्शन इकट्ठा कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से चल जाता है। अगर ज़्यादा तेज़ धूप ना होती तो मैं इनको अब तक पिंच कर देती सभी को, तो जिससे छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं इसमें और मैं इसको मिनी सिंगोनियम प्लांट बनाती। पर फ्रेंड मैंने गर्मी की वजह से नहीं बना रही हूँ इनको, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ रखा है। ये भी फ्रेंड मैंने मिनी सिंगोनियम में बनाया, ये मैंने इसकी डंडियों को छोटा छोटा काट के लगाया था 3-4 जगह, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। देखें इसके देखो बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ थी, अभी मैंने इसको काटा नहीं है तो इस तरह से थोड़ी सी बढ़ गई है। और इसको लगाना केयर करना बहुत आसान है और ये बहुत, इसकी हाइट भी अच्छी हो गई है, इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है, पर थोड़ी सी धूप होनी चाहिए हल्की खिड़की की तरफ, तो आप इस तरह से बहुत सारी कटिंग लगाएं और अपने गार्डन में बहुत सारे सिंगोनियम प्लांट तैयार करें। अगर आपके पास मिट्टी वगैरह नहीं है तो आप इसको पानी में ग्रो करके दीवार पे हैंग कर सकते हैं या किसी बड़े से पॉट में, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें 4-5 टहनियों को डाल दें और फ्रेंड उसका पानी हफ्ते में बदल दें, वो भी बहुत अच्छा चल जाएगा। मिट्टी नहीं है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और फ्रेंड नर्सरी में लेने जाते हैं इतने बड़े पौधे, बहुत महंगे महंगे आते हैं, मेरे पास ये ही कलर है ग्रीन में, पर इसके बहुत आते हैं कलर, इसके पिंक भी देखा है मैंने। एक फ्रेंड ये भी है
और फ्रंट टेरिस पे भी मेरे बहुत सारे रखे हुए हैं, पर मैं उसको ला ना सकी यहाँ पे। ये बालकनी गार्डन है जो कि मैंने यहाँ पे कुछ बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, कुछ मैंने ऊपर चढ़ा रखे हैं इसके शिंगोनियम के। और फ्रेंड्स में चींटियाँ हो गई है, अब फ्रेंड चींटियाँ इसमें जो ठंडक होती है और आ जाती है, मैं इसमें कुछ डालूंगी। मैं इसमें नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूंगी, मेरे पास नीम खली है। नीम खली को पहले 4-5 घंटे के लिए भिगो दें या 1 रात के लिए भिगो के छोड़ दें। उस पानी को जिस पौधे में चींटियाँ वगैरह हैं आप उसमें डाल सकते हैं, चींटियाँ गायब हो जाएंगी। और फ्रेंड अब इस टाइम पर डाल देना चाहिए सभी प्लांटों में, क्योंकि चींटियाँ बरसात शुरू हो रही है तो गमलों में छिप रही है और इससे हमारे पौधों को बहुत नुकसान भी करती है, जड़ें खा जाती हैं। अरे यहाँ पर फ्रेंड मेरे बहुत सारे पौधे हैं, देखें। देखो फ्रेंड ये है जो मैंने उसमें से कटिंग इसमें लगा दी, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये 2 महीने पहले की ही कटिंग है और बहुत छोटे से डिस्पोजल ग्लास में लगा रखी है मैंने। और ये फ्रेंड मैंने घर पे ही तैयार किए हैं मिनी सिंगोनियम। और ये मेरा ये वाला पौधा मेरा कम से कम 1.5 साल हो गया, इस जो कब वाला है, और इसको सबको 1-1 साल सा होने को आ रहा है। फ्रेंड मैंने इसी में ही ग्रो करे थे जब छोटे थे ये, और जब से मैंने इसी में ही लगा रखे हैं। अभी मैंने इनको कभी भी रिपोर्ट नहीं किया, तीनों में से किसी को रिपोर्ट नहीं किया मैंने। आपकी बार इसको बरसात के दिनों में कर दूंगी, अच्छा सा सुंदर सा पोत दूंगी इन्हें। मैं इनको देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं ये शिंगोनियम के प्लांट। और फ्रेंड इसमें देखो बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। और फ्रेंड मेरे पास जैसे केले वगैरह के चुकल होते हैं तो मैं इसी में गमलों में ही डाल देती हूँ, सूखा के या वैसे भी। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड देखो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा कलेक्शन बना रखा है, मेरे पास सभी प्लांटों का, सभी का मतलब जो मेरे गार्डन में है, मेरे पास बहुत सारे सारे प्लांट हैं। मैं अपने ही पौधे से कटिंग करके बनाती हूँ, मैं नर्सरी इतना नहीं जाती हूँ। मेरे पास पौधे बहुत सुंदर लगते हैं तो मैं इसलिए नर्सरी जाना पसंद नहीं करती, मैं इसी में से कटिंग करके लगा देती हूँ। नर्सरी में खास इतना सुंदर पौधे नहीं लगते जितना कि मुझे अपने पौधे लगते हैं। नर्सरी में ज़्यादातर फूल वाले पौधे वगैरह के लिए ही मैं जाती हूँ, पर जो ऐसे प्लांट हैं मैं कभी नहीं लेके आती। और ये मेरे जो इसके जो मदर प्लांट है कभी तो 20 साल पुराना होगा, वो उसी में से कट करके लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये सब मैंने घर पे ही सब तैयार किए हैं और ये बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं और ज़्यादा ऐसे फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। और इसमें खाद वगैरह डालने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है, अगर डालना ही है तो वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, क्योंकि मेरे ये पॉट बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं वर्मी कंपोस्ट का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड कितने सुंदर सुंदर प्लांट हैं मेरे पास।